नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। दक्षिण कोरिया का दावा, उत्तर कोरिया ने किया 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण। बीते महीने भी उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी चालित बैलिस्टिक मिसाइल का किया था प्रक्षेपण। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अपील, कहा भ्रष्टाचार और काले धन पर हो जीरो टॉलरेंस। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे से भी की मुलाकात। NSG की सदस्यता पर चीन को जापान की दो टूक, कहा NSG मामले में हमें है भारत की जरूरत, करेंगे सबसे बातचीत। भारत की सदस्यता से परमाणु अप्रसार व्यवस्था को मिलेगी ताकत। चीनी वैज्ञानिकों ने किया मरुस्थल को उपजाऊ बनाने का दावा। जोंगकिंग जियातोंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बनाया एक खास किस्म का घोल। घोल को रेत में मिलाने से उसमें पानी, पोषक तत्व और हवा को बनाए रखने का आ जाता है गुण। भारत और इटली ने किए आतंकवाद से निपटने पर चर्चा। इटली के मरीन मामले के बाद दोनों देशों के बीच पहली बार हुई उच्च स्तरीय बैठक। द्विपक्षीय बातचीत को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जताया संतोष। जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल को लगा झटका। विरोधी पार्टी AfD ने मार्केल के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी को पछाड़ तीसरे स्थान पर पहुंचाया। 10 लाख शरणार्थियों को जर्मनी में शरण देने के फैसले से मर्केल की लोकप्रियता में आई कमी। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।